तो कहते आज सर आपने जो अच्छे से क्वेश्चन पूछा ना उनका आंसर आज की इस वीडियो में को देने वाला हूँ। वाकई में आप सब ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पूछा तो बहुत ही मजा आएगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो बिना टाइम में सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। बाय द वे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही जल्द 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। तो यहाँ पर सवाल पूछते हैं सहदेव दीदार ब्रो, मेरे 30K सब्सक्राइबर है पर वीडियो वायरल नहीं होती है, ऐसा क्यों? तो देखो भाई, मुझे लगता है कि आपने कहीं थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन से आपने सब्सक्राइबर इंक्रीज किया होगा या फिर गलत ट्रैफिक देकर अपने चैनल पर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गया, इसीलिए आपकी वीडियो वायरल नहीं होती है। यहाँ पर एक और सवाल पूछते हैं भाई, उनका भी हम जवाब दे देते हैं। पूछते हैं कि हेलो ब्रो, क्या स्टेटस वाला चैनल मोनिटाइज होगा क्या? तो नहीं होगा, स्टेटस वाला चैनल मोनिटाइज नहीं होगा, क्योंकि स्टेटस बनाते वक्त आपने जो म्यूजिक किसी और का लगाते हो ना, उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपका अगर म्यूजिक खुद का है तो फिर हो सकता है, लेकिन स्टेटस में तो खुद का म्यूजिक तो होता नहीं है, किसी और का ही होता है, तो मोनिटाइज नहीं होगा। यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं ज्योति अंसाइल मुरिया, अगर हम नो कॉपीराइट म्यूजिक अपने वीडियो में यूज करते हैं तो हमारा चैनल मोनिटाइज होगा? हाँ भाई, हो जाएगा। अगर आप नो कॉपीराइट म्यूजिक यूज करते हो तो आपका चैनल मोनिटाइज होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं योर हेल्प सेंटर, इतनी वीडियो अपलोड कर दिया है, हार क्यों नहीं माने? हम हार नहीं मानते क्योंकि हम यूट्यूबर है और यूट्यूबर ऐसे ही होते हैं। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं ओपी फॉक्स गेमर, नेपाली में कुछ सुना दे भाई। मेरे प्यारो प्यारो नेपाली भाईहरू, तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा भेट्नु चाहन्छ भने कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला। मैले आफ्नो एनालिटिक्स हेरे, त्यहाँ इन्डिया पछि नेपालको अडियन्स ज्यादा था। तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा भेट्न चाहिन्छ भने कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सिनु होला है, ठिक छ, धन्यवाद। यहाँ पर अगला सवाल पूछते बीके विष्णु, क्या किसी को अपने मेन चैनल से सब्सक्राइब करने पर कोई दिक्कत होती है क्या? यदि बहुत अधिक सब्सक्राइबर कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता इससे। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं आदित्य ब्लॉग, क्या किसी फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर व्हाट्सएप में वीडियो शेयर करने पर वॉच क्या मिलेगी? हाँ भाई, मिलेगा। अगर वो यूट्यूब पर अगर आपके वीडियो अच्छा पूरा देखते हैं तो आपको वॉच क्या मिलेगा। वैसे अगर इन सब जगह पर अगर आप शेयर कर दो ना तो क्लिक करेगा और हटा देगा, तो इसे दिक्कत हो सकती है आपको, ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें। वैसे वॉच टाइम तो काउंट होगा लेकिन ऐसा आप ना करें। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं BKS विष्णु, BKS क्या शॉर्ट वीडियो से पैसा मिलता है? हाँ भाई, मिलता है, आपको शॉर्ट फंड भी मिलता है, और अगर आपका चैनल मोनिटाइज हो गया तो शायद मिल सकता है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं विष्णु झारखंडी, क्या सभी वीडियो में फेस दिखाना जरूरी है? प्ले बटन जो मिलेगा? नहीं, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप वॉइस ओवर करते हो तो थंबनेल में अपना पिक लगा दो, अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं स्मार्ट स्टडी RJ, हेलो सर, वीडियो को टॉप सर्चिंग में कैसे लाए? तो उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे ना तो आप कितना भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बना लो, आपके वीडियो नहीं चलने वाला। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं के द प्रो गेमर, आपके सब्सक्राइबर कितने हैं? प्लीज टेक माई Q&A। तो आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं राजू भाई 2M, कम्युनिटी वार्निंग स्ट्राइक क्या लाइफ टाइम रहता है? तो देखो भाई, अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आते तो पहला स्ट्राइक आपकी वार्निंग स्ट्राइक माना जाता है और वो वार्निंग स्ट्राइक आपके लाइफ टाइम रहेगा, और दूसरे अगर स्ट्राइक आ जाता है तो वो 90 दिन के बाद हट जाता है। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं BK विष्णु, वीडियो एडिटर बेस्ट ऐप कौन सा है कायन मास्टर के छोड़ के? तो पावर डायरेक्टर। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं BK विष्णु, यूट्यूब थंबनेल ऐप कौन सा बेस्ट है? पिक्चर लैब। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं RNT, हेलो सर, आपको यूट्यूबर बनने का ख्याल कब, कैसे और किस तरह आया? तो मुझे यूट्यूबर बनने का ख्याल 2020 में आया और मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि आप तू यूट्यूब चैनल बना ले, तो मैंने बना लिया और आप सबके प्यार की वजह से यहाँ पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते हैं जामिया मोफली हाथ, शॉर्ट फंड कितने व्यूज पर मिलता है? तो अगर आपके वीडियो पर हर एक वीडियो पर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा व्यूज आते हैं तो आपको शॉर्ट फंड मिलेगा, अगर 1 लाख भी आते तो नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगला सवाल पूछते अतुल जाला एडिट्स, हेलो सर, वॉच टाइम कितना हुआ है, प्लीज आंसर? आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज का कोड है 907। तो बस आज की स्क्रीन वीडियो में इतना ही सवाल था, तो मैंने आपके सारे सवाल का जवाब दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्त के रिलेटेड के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना एंड लव यू।